बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का सबसे बड़ा सच सामने आ गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह हिंसा कैसे शुरू हुई और किसने शुरू करवाई। ये वीडियो बताता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हुई। सोशल मीडिया पे कई वीडियो में देखा गया कि किस तरह से पूजा पंडालों और मंदिरों पर हमले किए गए, हिंदू समुदाय के लोगों के घरों पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। आज हम आपको बताएंगे कि इस पूरी घटना की शुरुआत आखिर हुई कैसे। धर्म से जुड़ी अफवाह का सहारा लेकर हिंदुओं के खिलाफ भीड़ को भड़काया गया और इस पूरी घटना की शुरुआत होती है दुर्गा पूजा के पंडाल में कुरान रखने को लेकर, जिसके बाद बांग्लादेश में ऐसी हिंसा हुई कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। हालांकि अब बांग्लादेश पुलिस को हिंसा के इस मामले में भले ही कामयाबी हासिल हो गई हो, बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि उन्होंने हिंसा को भड़काने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान कर ली है। पुलिस ने पंडाल में लगे इस सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद हिंसा में इकबाल हुसैन को आरोपी माना। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इकबाल मस्जिद से कुरान की एक कॉपी लेकर दुर्गा पूजा स्थल तक जाता है और बाद में उसे भगवान हनुमान की एक मूर्ति के पास भीड़ के साथ चलते हुए भी देखा गया। आपको बता दें कि इस हिंसा के सिलसिले में बांग्लादेश पुलिस ने 4 मामले दर्ज कर लिए हैं और 40 से ज्यादा गिरफ्तारी भी कर ली हैं। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लोगों से शांति की अपील की और कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए। आपको बता दें कि ये वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान के अत्याचारों से परेशान था और भारत की मदद से साल 1971 में आजाद हुआ था। वही बांग्लादेश जो म्यांमार करेले रोहिंग्या संकट के समय में अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर काफी मुखर था, लेकिन आज वही बांग्लादेश अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसक मामलों को लेकर दुनिया भर में चर्चा का कारण बना हुआ है। बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का ये मामला नया नहीं है। पहले भी बांग्लादेश में हिंदू हिंसा का शिकार होते रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अधिकारों पर काम कर रही संस्था AKS के अनुसार पिछले 9 सालों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को 3,600 से ज्यादा बार हमलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान करीबन 1,600 से अधिक मामले धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ और हथियार बंद मामलों के हमले के सामने आए। इसके अलावा घरों मकानों में तोड़फोड़ और आगजनी समेत हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर लगातार हमले किए गए। साल 2014 में भी चुनाव के समय ऐसी हिंसक घटनाएं बड़े पैमाने पर हुई थी, जिसमें हिंदू समुदायों को निशाना बनाया गया। 9 साल में हुए इन हमलों में हिंदू समुदाय के करीब 11 लोगों की जान चली गई, तो वहीं 800 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बांग्लादेश में बढ़ता कट्टरपंथ अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा इस बार जरा चिंता को बढ़ा रही है, क्योंकि हिंसा की ये घटनाएं अब तक एक सीमित इलाके में होती थी, लेकिन पहली बार बांग्लादेश में काफी बड़े इलाके में एक साथ धार्मिक हिंसा भड़की है। पिछले 1 दशक में हिंसा के मामलों में तेजी आई है। बांग्लादेश के कट्टर संगठनों का प्रभाव पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है और सेकुलर छवि वाले कई फैसलों और पहचानों के खिलाफ ये संगठन दबाव की रणनीति के तहत सरकार से कई फैसले बदलवाने में भी सफल रहा है। बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में इनका प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरा बढ़ता जा रहा है।